खेती करेंगे आम की, मुंबई में रहने वाले लोग और गुजरात के गांवों में खेती करेंगे। ये नहीं होगा उन गांव की भी जमीन वापसी दी जाएगी, वो लड़ाई लड़ जाएगी, जमीन पे कब्जा करा जाएगा उसी किसान का फिर। नमस्कार, आप देख रहे हो कुल न्यूज हिंदी। आज राकेश टिकैत जी ने राजस्थान आबू रोड गुजरात बॉर्डर पर एक महापंचायत को संबोधित किया और वहां से उन्होंने एक वीडियो संदेश को साझा किया जो कि अब आप आगे देखेंगे। इस वीडियो संदेश को देखने के बाद आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सम्मानित मंच और यहां पे जो आंदोलन की पहल करने वाले बहुत दिन से तलाश में थे कि गुजरात में कोई आदमी निकले, लेकिन जो नौजवान थे वो नहीं निकले, तो हमने जो बूढ़े शेर थे उन्हीं को ही निकाल दिया। ये आंदोलन जो पुराने अपने हल पाते हैं ना, पुराने जो रखे गए थे, जो पुराने ट्रैक्टर हो गए थे, ये आंदोलन उन्हीं से लड़ा जाएगा, पुराने औजारों से। उसी से ही ये बंजर गुजरात की धरती को पाड़ा जाएगा और यहाँ से एक नए आंदोलन का निर्माण होगा। ये नौजवान आगे आज माँ अम्बा का आशीर्वाद लेके गुजरात के इस कपाट से अंदर घुसे हैं। गुजरात के किसानों की आजादी की लड़ाई है ये, आजादी की लड़ाई, ये जंग जीती जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं, हम पूरी तैयारी करके पूरे देश से आए हैं कि गुजरात में जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो 20 मिनट के अंदर पूरा भारत बंद होगा। गुजरात के आजादी की लड़ाई है, गुजरात बंधन में है, इसको मुक्ति दिलवानी है। यहाँ प्रेस मुक्ति अभियान भी चलेगा, किसान मुक्ति अभियान भी चलेगा, जो नौजवान मुक्ति अभियान भी चलेगा, इनको निकाल लेंगे और इसी गुजरात से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ये गुजरात महात्मा गांधी की धरती है, ये गुजरात सरदार पटेल की धरती है। सरदार पटेल के नाम से बने हुए संस्थान उनके नाम बदले जाएंगे। अगर गुजरात में उनके स्टेडियम था तो बदले जाएंगे। अरे अगर बदलना है तो नया निर्माण करके अपना नाम रखो। ये नहीं चलेगा देश में, देश के किसानों की जमीन बेचने का काम करा जाएगा। मतलब यहाँ के 60 गांवों की जमीन बेची गई, उसपे खेती करेंगे आम की, मुंबई में रहने वाले लोग और गुजरात के गांवों में खेती करेंगे। ये नहीं होगा उन गांव की भी जमीन वापसी दी जाएगी, वो लड़ाई लड़ जाएगी, जमीन पे कब्जा करा जाएगा उसी किसान का फिर। ये आंदोलन होंगे, यहाँ का जो MSP का सवाल है, जमीन बचाने का सवाल है, 3 कानून जो देश में आए हैं उनको वापसी लेने का सवाल है। देश में आंदोलन चला हुआ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। दूसरा आंदोलन ये होगा कि दिल्ली जैसा आंदोलन हमको गुजरात में भी खड़ा करना पड़ेगा। ये आंदोलन 3 ही उससे लड़ा जाएगा। पहला होगा ट्रैक्टर, ये आंदोलन ट्रैक्टर पहला इस आंदोलन का हथियार होगा किसान का। अगर ट्रैक्टर है तो ये मान लो कि जैसे मिलिट्री के पास में टैंक है, अगर ट्रैक्टर किसान के पास में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसके सामने फिर कुछ नहीं आएगा। दूसरा है नौजवान ट्विटर से लड़ेगा, जो नौजवान फेसबुक ट्विटर इसको हैंडल करता है, नौजवान ट्विटर से लड़ेगा, खेत का किसान ट्रैक्टर से लड़ेगा और देश का जवान टैंक से लड़ेगा, तो TTT से ये देश का आंदोलन चलेगा। ये लड़ाई आज से शुरुआत हो चुकी है, गुजरात में जाएंगे, 2 दिन गुजरात में रहेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, मीटिंगें करेंगे, पंचायत करेंगे, किसानों से बात करेंगे, जवानों से बात करेंगे, यहाँ की प्रेस मीडिया से बात करेंगे। ये गुजरात के आजादी की लड़ाई है, ये लड़ाई आज से शुरुआत हो चुकी है। दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है, न घबराने की जरूरत है, ये मुक्ति अभियान है, मुक्ति अभियान चलेगा। अगर गुजरात का किसान दिल्ली जाना चाहता है तो कितनी बड़ा वो है कि छुप पे यहां से जाता है, राजस्थान से बस पकड़ता है, इतना बड़ा आतंकवाद। आतंकवाद तो ये है यहाँ पे कि पूरा का पूरा नौजवान बंधन में है। आपका बंधन मुक्ति अभियान हो गए, आप आंदोलन करो,
कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर यहाँ को छेड़खानी करेगा तो पूरे देश भर में जहां जहां पे भी इनकी सरकार है, इनका एक भी एमएलए एमपी सड़कों पे नहीं निकलेगा अगर यहाँ के किसान को कुछ कहा जाएगा। तो ये आंदोलन आपको लड़ना पड़ेगा, यहाँ से शुरुआत होगी। बापू जी साथ में है और लोग भी साथ में आएंगे, जो जो लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेंगे उन सबको आंदोलन से जोड़ा जाएगा। यहाँ कोई किसी पार्टी का, धर्म का, जाति का कोई वो नहीं है, ये सब किसान की आजादी की लड़ाई है। ये आजादी की लड़ाई मिलेगी, किसान जो गुजरात का किसान है, जो आलू का किसान है, पटाटो का किसान है, यहाँ पे बाजरे का किसान है, जो वेजिटेबल्स का किसान है, दूध का किसान है, उनको सबको रेट मिलेगा। ये आंदोलन उसका है, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने बात सुनी, यहाँ पे एंट्री हुई, मां अंबा का दर्शन करे, उनका आशीर्वाद दिया और आगे की अब लड़ाई ये शुरुआत होगी। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, जय अंबे। ये शुरुआत करके मां अंबे, जय अंबे। इनको भी बड़ा मकान और सैलरी बढ़ेगी, इनके भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। हम अपनी गाड़ी में बैठो जो कला। तो दोस्तों, आपने राकेश टिकैत जी का वीडियो संदेश देखा। आज राकेश टिकैत जी ने राजस्थान अबूरड़ गुजरात बॉर्डर पर एक महापंचायत को संबोधित किया और किसानों को किसान आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए वोकल न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना।